क्या आप भी हैं बेरोजगार, क्या आप भी जो है वो मंथली इनकम कमाना चाह रहे हैं 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार, लेकिन आप भी जो है ये ऑनलाइन लोगों के फ्रॉड से तंग आ चुके हैं, आप भी देखना चाह रहे हैं कुछ ऐसा फिजिकल बिजनेस जो आप कर सकें और एक अच्छी रोजी जो है वो आप कमा सकें, तो नाजरीन ये वीडियो जो है वो मुकम्मल देखें। तमाम देखने वालों को MYK न्यूज TV की टीम की तरफ से मेरा सलाम, मैं हूं आपका होस्ट अली। नाजरीन आज हम आपको बताएंगे कि डिस्पोजेबल प्लेट्स का बिजनेस कैसे किया जाए, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर है, टाइम फ्रेम कितना के लगेगा आपको, आपका जो है इसका रिटर्न मिलने में, ये मशीनरी आपको कहाँ से मिलती है, तो इस फील्ड के जो एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे और जानेंगे इस बिजनेस को जो है वो स्टार्ट कैसे किया जाए। वसीम भाई स्टार्ट करते हैं जरा अपनी इस इंटरव्यू को, मुझे बताएं वसीम भाई इस मशीन की जो है वैसे कॉस्ट कितनी आ जाती है? मशीन जो है बेसिकली हमारे पास दो टाइप की मशीन्स हैं, एक सिंगल डाई वाली मशीन है वो एक वक्त में एक साइज़ की प्लेट बनाती है, और ये मशीन जो भी आपके सामने है ये डबल डाई है, इसकी प्रोडक्शन डबल है, ये एक वक्त में दो डिफरेंट साइज़ की प्लेट्स बनाती है। ये वाली मशीन अभी जो है 1,90,000 की है, और जो सिंगल डाई वाली हमारी मशीन है वो 1,55,000 की है। तो जी जो 1,90,000 की, इसमें दो डाइयाँ मशीन की कास्ट में शामिल होती हैं, ठीक है। बाकी आजकल आपको हालात का पता है, प्राइसेस हर चीज़ की प्राइस जो है, रॉ मटेरियल की, लोहा हो गया, इनकी भी चीज़ें बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्राइस चेंज भी हो सकती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जिसकी प्राइस है वो 1,90,000 रुपये है डबल डाई की, जो बड़ी मशीन है इस वक्त आपके सामने है। सिंगल डाई की जो है वो क्या छोटी मशीन है, उसकी 1,55,000 है, 1,55,000 उसकी। अच्छा, इसके अलावा जो बताएं कि ये पर आवर के हिसाब से जो है वो कितनी प्लेट्स जो है ये मैन्युफैक्चर कर लेती हैं? ये बेसिकली जो डबल डाई है हमारे सामने, हम इसी की प्रोडक्शन का हम बात करेंगे, ये एवरेज तक 12 सेकंड में इसका एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है, ठीक है, उसमें एवरेज ये 8 से 12 प्लेट्स बनाती है। यानी गत्ता अगर आपका जो है वो बारीक होगा, ये जो गोल कटा हुआ गत्ता है ये अगर आपका बारीक होगा तो नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, अगर ये गत्ता मोटा होगा तो नंबर ऑफ प्लेट्स कम हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन एवरेज जो है इनिशियली जो लोग हमारे ओल्ड कस्टमर्स हमारे काम कर रहे हैं और सही स्पीड से काम करते हैं तो मोर और लेस वो 2000 प्लस माइनस जो है प्लेट्स पर आवर वो इसकी मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो ये गत्ता है ये भी अलहदा से मिलता है, तो अगर इसकी जो शीट होगी ये भी किसी शीट से जो है ये गत्ता वो कटा हुआ है, तो इसकी जो शीट है उसकी क्या कॉस्ट आ जाती है, ताकि जो देखने वाले उनको मुकम्मल हम इन्फॉर्मेशन दे सके? कस्टमर को बताता हूँ, ये गोल कटा हुआ गत्ता है, ये भी इसी मशीन के ऊपर ही कटा जाता है, इसकी कटिंग डाई होती है, कटिंग ब्लेड्स होते हैं, तो उसके साथ ये गत्ता जो है प्रॉपर इसी मशीन के ऊपर भी कटा जाता है, ठीक हो गया। अब आते हैं इस की शीट के ऊपर, ये शीट तकरीबन जो इसमें यूज होती है वो 210 GSM, 230 GSM, 250 GSM, 280 GSM, ये गत्ते की मोटाई होती है। इसमें जो आइडियल है वो तकरीबन 210 GSM इसमें तकरीबन आता है, 210 ग्राम आता है। तो ये तकरीबन आजकल जो है ये तकरीबन आप समझ लें कि जब मेरी पहली वीडियो बनी थी उस वक्त ये 35 रुपये kg था, आज 65 रुपये kg है, ठीक है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल को इससे भी चेंज हो जाए तो फिर कस्टमर समटाइम्स हमें आकर कंप्लेन करते हैं, जी आपने तो वीडियो में ये बोला था। तो इसलिए ये कि आपने बी केयरफुल कि आपने अपना बिजनेस प्लान खुद बनाना है, आप मशीनिस्ट हैं, मशीनें बनाते हैं, तो अपना बिजनेस प्लान आपके यहाँ रॉ मटेरियल की क्या रेट है, आपकी प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है, ये आपने अपना होमवर्क आपने खुद करना होता है। अभी जो ये गत्ता है तकरीबन 65 रुपीज़ kg का, ये 210 ग्राम आपको अवेलेबल है। इसमें तकरीबन जो प्लेट्स निकलती हैं वो 130 से 150 के दरमियान प्लेट्स इसमें से निकलती हैं, मीडियम साइज़ की जो शवारमा में यूज़ होती है, ठीक हो गया। आपको कास्ट तकरीबन पड़ जाती है आपको 70-73 इतने में वो कास्ट पड़ जाती है, और 100 प्लेट जो सेल होती है वो तकरीबन 80 से 83 रुपीज़ की सेल होती है, ठीक है। मतलब जो 100 प्लेस जो है वो 83 जो है वो रुपीज़ की सेल हो जाती है। इसके अलावा अगर पर डे की अगर हम हिसाब से लगाएं तो ये प्लेट्स कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, और इसके अलावा जो है वो पर डे की जो प्रॉफिट मार्जिन है और एक वो कितना हो जाएगा? ये मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ना आप थोड़ा सा बल्क में आते हैं मार्जिन को क्लियर करने के लिए, तो तकरीबन आप एक तोड़ा जो है बेसिकली बल्क में आप सेल करते हैं तो तोड़े के हिसाब से सेल होती है, तोड़े में 1800 पीस भी होते हैं, 2000 पीस भी होते हैं, तो एक तोड़ा जो है वो तकरीबन आपका 1 घंटा या 1.25 घंटा इतने में वो रेडी होता है, और तकरीबन 350-400, 450 हर शहर के डिफरेंट रेट्स हैं, ठीक है। 250 से 450 के दरमियान उसमें मार्जिन होता है उसमें एक तोड़े में। इसके अलावा सर मशीन की कॉस्ट की बात कर ली, प्लेट्स का जो ये गत्ता है ये कहाँ से आता है, कितने का आता है, एक घंटे के अंदर कितनी प्लेट्स जो है वो मैन्युफैक्चर होती हैं। अब सर बात आते हैं कि इनको बाद में जो है मार्केट में इसकी मार्केट कैसे की जाए, इसको सेल कैसे किया जाए। बेसिकली आजकल आपको पता है ये वबा के बाद जो है बेसिकली इस अब डिस्पोजेबल की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो गई है, लोगों का ट्रेंड जो है वो डिस्पोजेबल की तरफ ज़्यादा चला गया, तो इसकी जो मेन मार्केट आपकी है वो आपकी बनती है पेपर प्लेट्स की, वो शॉर्मा बर्गर वाले हो गए, कैंटीन्स हो गई, जैसे यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स हो गई, स्कूल्स हो गए, रेडी वाले हो गए, ये बेसिकली आपकी बनती है। बाकी इसके बाद आपके हर शहर में इसके होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, आप डायरेक्टली उनको भी हिट कर सकते हैं आप, तो ये कि इसकी जो मेन जो मार्केट है आपकी फास्ट फूड की, आपका मेन आपका टारगेट आपका कस्टमर बनता है। आप जाहिर सी बात है आप काफ़ी सालों
से जो है इस बिजनेस के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, तो इस मार्केट के अंदर जो है वो कंपटीशन कितना है? क्योंकि जब भी आप किसी नई नीश के अंदर जो है आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप कंपटीशन को भी जो है वो ज़रूर मद्देनजर रखते हैं कि आपके कंपटीटर्स जो हैं वो कौन कौन है, तो इसमें कंपटीशन क्या ज़्यादा टफ है या अभी जो है वो अभी पेस इसकी स्टार्टिंग पे ही है? असल में इस तरह है कि हमें ये वाली मशीन हमें स्टार्ट होती है कि मैंने 8 मंथ्स हुए हैं, ठीक है। इससे पहले जो मशीन थी, आप ज़ाहिर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो ये प्लेट्स और ये चीज़ें मार्केट में यूज़ होती देखते होंगे, लेकिन कभी इसका मैन्युफैक्चरर कभी सुना नहीं होगा। उसका रीज़न ये था कि इसकी मशीन जो पहले थी वो तकरीबन 8 लाख से स्टार्ट होती थी, 12 लाख 14 लाख, 3 फेज आप उसको कमर्शियल सेटअप लेना पड़ता था, उस लेवल पे थी। अब यानी कि लेस देन 2 लाख अब हम लोगों ने इसको किया है, ठीक है ना। अब ये फीजेबल है, तो अभी आप जिस शहर में भी आप अपना होमवर्क करके देख लें तो आपको वहाँ पर ये मशीन नज़र नहीं आएंगी, चाहे वो लाहौर है, गुजरांवाला है, बहुत लिमिटेड होगा, लेकिन यूजेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन मशीन चूँकि पहले ये अवेलेबल लोकली अवेलेबल नहीं थी, अगर थी तो लोकली थी, वो बहुत कॉस्टली थी, सेटअप बहुत कॉस्टली था, लोगों की एक्सेस नहीं थी, ठीक है। अब चूँकि ये एक नया सेटअप है तो इसमें लोग अगर अपना स्पेस बनाए तो अभी गुंजाइश है, कंपटीशन में जो अपना कस्टमर बना लेते हैं, जैसे कहते हैं जो बंदा जितना पुराना होता है वो उतना ही एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन जाता है, इनिशियल स्टेज पर जो लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो अब ये किसी अभी इनिशियल स्टेज है तो इसमें जो लोग एंटर होंगे तो उनको कंपटीशन नहीं मिलेगा। मतलब जो बात मुझे समझ में आई है कि वो यही है कि अभी होलसेल में तो ये प्लेट सेल हो रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स कम है अभी जो है वो सेल कम है, लेकिन होलसेल मार्केट के अंदर जो है ये तादाद उसकी ज़्यादा ही है अभी। तो इसके अलावा सर बताएं कि ओवरऑल ये कॉस्ट हो गई, आप जो है जो आपके पास ये मशीन के जो है वो ख़रीदने आता है उसको आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इसकी वारंटी वगैरह क्या है, या जो सर्विसेज आपके से दी जाती हैं बिजनेस एडवाइस के हवाले से वो क्या होती हैं? हम बेसिकली चूँकि हर बंदा जो है वो इस फील्ड में नया होता है तो उस मशीन की मेंटेनेंस की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, मशीन के पंप की 6 मंथ गारंटी होती है, बाकी इसको ऑपरेट किस तरह करना है, इनिशियली इसको मेंटेनेंस किस तरह करनी है, बाकी हर जगह में इसकी मेंटेनेंस हो जाती है, इतनी कोई पेचीदा चीज़ नहीं है ये, तो यानी कि प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, रॉ मटेरियल, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, हैंड हैंडलिंग सपोर्ट देना, ये हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है। ये है कि फूड का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो कि इस वबा के बाद भी जो है वो बंद नहीं हुआ, एक फार्मेसी, फूड और एक ग्रोसरी, ये 3 ऐसे बिज़नेस है। तो सर बताएं कि वैसे एक रफ़ एस्टिमेट कि अगर कोई मिनिमम एफर्ट भी करे, इसमें मिनिमम एफर्ट भी करे, मैक्सिमम पे नहीं हम जाते, तो एक रफ से रफ जो है वो प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हैं आपके अंदाजे में, एक आप रफ देखो, जाहिर सी बात है ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है आप कितना करते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि मिनिमम एफर्ट के बाद कितना जो है प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है इससे? देखिए सर, कि आप मशीन चूँकि घर में चलने के लिए सिंगल फेज है, घर के अंदर ये आप यूज़ कर सकते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट है, ज़रा छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ हम ये क्लेम नहीं करते कि आप महीने का 4 लाख कमाएंगे या दिन का 20,000 रुपया कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप 4 से 5 घंटे आप एवरेज काम करते हैं, ठीक है, आप 4-5 घंटे में आपने बनाया हुआ मटेरियल आप सेल कर लेते हैं, तो आप मोर और लेस 50-60,000 तक आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर मैं यही करूँगा, इसको मैं अटैच करूँगा, क्योंकि मेरी किसी बात से कोई कस्टमर गलत वो असेसमेंट ना ले, फिर गलत असेसमेंट हो तो फिर हमारे लिए भी मसला होता है। तो आपकी मेहनत शर्त है, आपकी मार्केट में फाइट, आपकी स्ट्रगल ये शर्त है, तो अर्निंग जो है आपकी उस पर ही है, वो 50-60,000 भी है, वो 1.5 से 2 लाख भी है, ठीक है, डिपेंड करता है आप पे कि आप अपने बिजनेस के साथ, अपने काम के साथ कितना सिंसियर है। तो नाज़रीन, आपने सुना कि वसीम भाई के साथ जो है आपकी वो मुकम्मल बातचीत करवाई और आपको बताया कॉस्ट क्या है, रिटर्न कितना मिल सकता है, रॉ मटेरियल किधर से आएगा, मार्केट इसको जो है वो कैसे किया जाए। जो भी आप नया बिज़नेस जो है वो आप स्टार्ट करते हैं उसमें ज़रूरी होता है कि आपका जो है वो होमवर्क जो है वो कंप्लीट हो, जो कि वसीम भाई ने भी जो है वो वीडियो के अंदर मेंशन किया कि अगर आपका होमवर्क कंप्लीट है, आपको आफ्टर सेल आपका जो होमवर्क कंप्लीट है, आपको पता है कि आपने मार्केटिंग फेज में जाके अपनी चीज़ को जो है वो मार्केट कैसे करना है, तो आपका बिज़नेस जो है वो ज़रूर कामयाब होगा। और बाकी जो ये बिज़नेस है, क्योंकि इसकी फूड की इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट लिंक है, और फूड का बिज़नेस ऐसा है कि पाकिस्तान में अगर एक बंदे ने फूड का बिज़नेस या उससे मिलता जुलता कोई बिज़नेस किया है, अगर उसने अच्छे तरीके से उसे मार्केट की है, क्वालिटी है, तो वो बिज़नेस जो है वो कभी फ्लॉप नहीं होगा। उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट अली अहमद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।